शिमला जिला के रामपुर उपमंडल के तहत आनी बाली तकलीच पंचायत में विभिन्न विकास कार्यों में घपले होने का लोगों ने आरोप लगाया है। लोगों का कहना है कि पिछली पंचायत में विकास के नाम पर बड़े पैमाने में धांधली हुई है। उनका ये आरोप है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत भी नहीं दी जा रही है सूचनाएं। धामदियों की शिकायत उच्च अधिकारियों से भी की, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लोगों ने आरोप लगाया कि पंचायत के विकास कार्यों का सीमेंट अब भी 3 महीने से सड़कों में पड़ा है और खराब हो रहा है। उसकी कोई सुत नहीं ली जा रही है और न ही कोई इसका रिकॉर्ड है। इस तरह जो इंटरलॉकिंग टाइल्स लाई गई हैं, उनका वास्तविक मूल्य से 3 गुना ज्यादा के बिल भुगतान हुए हैं। इसी तरह सप्लाई से जुड़े सामान का एक ही ठेकेदार को दिया गया और कथित जाली बिल बनाए गए हैं। लोगों का कहना है कि इसकी शिकायत जिलाधीश से भी की है। उनका कहना है कि अगर पिछली पंचायत की गहराई से जांच होती है तो कई घपले उजागर होंगे। तकलेज व्यापार मंडल के प्रधान सुनील कायत ने बताया कि काफी समय से वे पिछली पंचायत में हुए घोटालों को लेकर आवाज उठाते रहे, लेकिन हमारी अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। वहां पर जो हो रहा है सब देख रहे थे, लेकिन किसी ने भ्रष्टाचार को सामने लाने की कोशिश नहीं की। पंचायत के हर कार्य में घोटाले हुए हैं। उन्होंने बताया कि जो रिकॉर्ड में टाइलें दर्शाई गई हैं, वे भी नहीं लगाई थी। मैं सुनील कायत, व्यापार मंडल तकलेज का प्रधान हूँ। मैं आज से पहले भी जो यहाँ पे पहली पंचायत थी उसके खिलाफ काफ़ी आवाज़ें उठाई है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा घोटाले हुए पहले से ही। ये जो सीमेंट है ये भी हमने फेसबुक के माध्यम से उजागर किया था। रात को हमें कहीं से गुप्त सूचना मिली कि यहाँ पे सीमेंट रखा है, तो उस दिन रात को हमने बल्कि हम पुलिस चौकी भी गए। उन्होंने हमसे कहा कि इसको वो संभाल दे, तो भाई उसके बाकी हम इसको कुछ नहीं कर सकते। तो जो पहले वाली मेंबर थी उसने कहा कि सीमेंट मेरा है, मैं इसको उठा दूँगी। तो मेरे हिसाब से आज को शायद 16 की बात है, 16 के बाद अभी तक ये यहीं पड़ा है, ना इसको किसी ने उठाया है और आधा जगह ख़राब भी हो चुका है। और जहाँ तक घोटालों की बात है, मैं पहले से भी यहाँ के घोटाले उजागर करता आया हूँ, परंतु यहाँ किसी ने साथ नहीं दिया, इस करके सब कुछ धरा का धरा रह गया। मैं काफ़ी बार यहाँ के घोटाले महत्वपूर्ण मैं देखे जो यहाँ पे टाइल्स इस बार ये आई है, इससे पहले जो चक्का था वो यहाँ के लिए आया था, 6-7 रुपये की टाइल, 25-26 रुपये का बिल पंचायत वालों ने लगाए हैं। तो इसके अलावा यहाँ पे बहुत चीज़ें ऐसी हैं, जैसे बावड़ियाँ हैं। बावड़ियाँ मतलब मेरे हिसाब से हर बावड़ी पे 50 से 1 लाख रुपए खर्चा किया है, जबकि बावड़ी पिछली पंचायतों ने बनाई है, उसके बाद से इन्होंने कुछ भी नहीं किया। उसके ऊपर 2-4 टाइल्स चिपका के कि हमने बावड़ी बना दी है, उसमें पूरा 50,000 खत्म। जो क्रेट वॉल्स लगाए हैं, क्रेट वॉल्स हाल ही कहीं 3 या 4 लगे हैं, 5 ही लगे होंगे, बाकी उसका पैसा सारा गायब। और इसके सीमेंट का तो कहना भी कुछ नहीं है। एक बार हमने बल्कि पकड़ा भी था, काफ़ी ज़्यादा लाइव हुआ था वो इस पे, कि यहाँ हमने साथ में घर में सीमेंट पकड़ा, जो यहाँ तत्कालीन मेंबर था उसने बेचा था, मिली भगत सबकी थी, तो उसका भी कुछ नहीं हुआ। हम आवाज़ें उठाते रहते हैं, लेकिन आज तक किसी ने भी नहीं सुना है, बल्कि लाइव दिखाया। लाइव दिखाने के बावजूद भी ना तो कभी प्रशासन जागा है, ना मतलब पहले जो कांग्रेस गवर्नमेंट वक्त भी था, किसी ने कोई इसके खिलाफ ना हमारी सुनी, ना आज तक कोई हमें इसका। तकलेज निवासी पूर्व सैनिक दौलत राम ने बताया कि पूर्व पंचायत ने लाखों रुपए के विभिन्न कार्य में घोटाले किए हैं। कई बार आरटीआई लगाई गई, उनका भी जवाब नहीं दिया जाता था। उन्होंने बताया कि पंचायत में टाइलें आई नहीं थी, बिल का भुगतान पहले ही किया गया। जब आरटीआई लगाई तो उसके बाद टाइलें आई, लेकिन अब टाइलें वास्तविक मूल्य से 3 गुना अधिक दरों पर ली गई। सीमेंट भी दिसंबर से सड़क में रोड़ी के नीचे छुपा रखा था, जब लोगों ने देखा तो पता चला इस तरह सैकड़ों बैग सीमेंट का घपला हुआ है। मैं ग्राम पंचायत तकलेच का निवासी हूं। ये जो पिछली पंचायत थी इसमें जो है कोई करोड़ों रुपए के घपले हैं। पहले एक यहां देखो ये सीमेंट पड़ा है, ये जो है इलेक्शन जब आचार संहिता लगी उस दौरान ये सीमेंट आया, यहाँ कुछ उतरा यहाँ से कई और बाहर गया, कई जगह गया सीमेंट। वो जो प्रधान है उसने अपने चेते को ये सीमेंट दिया, क्या बिक्री के लिए था। अब बताओ ये दिसंबर से लेकर अभी तक ये सीमेंट यहाँ है, हमने इधर उधर भी कोई वो की टाइले हैं। ये जो है पहले तो ये फर्जी बन गए थे बिल, जब हमने आरटीआई लगाई तब ये दोबारा टाइले आई 8 रुपये 50 पैसे की,
ये फर्जी थे सारे, इन्होंने 26 रुपये 50 पैसे के जो है फर्जी बिल बनाए हैं। जो पहले भी टाइलें लगी है वो ऑर्डनरी है और दिखाई ये इंटरलॉक टाइलें हैं। हम सरकार से चाहते हैं कि इसके उच्च स्तरीय जाँच हो और ये करोड़ों रुपए के घपड़े निकलेंगे। जैसे सीमेंट है, रोड़ी है, रेता है, रोड़ी अगर 2 गाड़ी आई 10 गाड़ी के बिल बने, रेते का भी ऐसा ही है। और कहांगे ये चीज़ें जो है सरकार के इसमें संज्ञान में लाते हैं और इसकी जो है उचित कार्रवाई की जाए। तकलेच निवासी धनीराम ने बताया कि यहां पर जो सीमेंट पंचायत का आता रहा वह इधर उधर खुर्द-बुर्द होता रहा, अभी यहां बजरी के नीचे सीमेंट को दबाकर रखा गया है और इससे भी कहीं ले जाया जाना था। मेरा नाम धनीराम है। हाँ जी, तकलेच पंचायत का स्थायी निवासी हूँ और यहाँ जो सीमेंट उतारा जाता था वो खासकर कामों में नहीं लगा है, ये ऐसे ही जाते रहा यहाँ से, यहीं इस पॉइंट से ही, तो अभी भी यहाँ पड़ा हुआ है। अभी तो इसका कोई मालिक नहीं है कि भाई ये मेरा है, कोई आज तक नहीं आया यहाँ तक। लाइटें आई उस रात को, इन्होंने 9 बजे 8 बजे इन्होंने लाइट दी। मैं भी आया था, मेरे को भी लाइट चाहिए, मेरे को लाइट नहीं दी। बोला नहीं है, बोला अब तो नहीं है, तो चलो मैं बी डी ओ साहब को फ़ोन करता हूँ। बी डी ओ साहब को फ़ोन किया, बी डी ओ साहब ने बुलाया, बताया कि मैं जो है ये लाया, मैं ये उधर से सेक्रेटरी को फ़ोन करता हूँ। सेक्रेटरी ने फिर मेरे को फ़ोन किया कि वापस लाएंगे, आज तक नहीं आई। तकलेच निवासी राजेंद्र सिंह ने बताया कि भ्रष्टाचार पिछले पंचायत के दौरान चरम सीमा पर रहा, फिर भी कोई जांच नहीं हुई। उन्होंने बताया कि सीमेंट सड़क पर इलेक्शन से पहले रखा गया है जिसे उठाया नहीं गया। उन्होंने बताया कि 8.5 रुपए की टाइलें लाई गई हैं लेकिन उन्होंने 26.5 रुपए का भुगतान किया है। रामेश्वर सिंह, ग्राम पंचायत तकलेच, यहाँ पे जो शरण में सामुदायिक भवन बनने के लिए पैसा आया था वो अभी तक ना बना, ना वहाँ पे कोई मटेरियल है, ना ही कोई जगह का चयन है। और ये पैसा जो है 2017 में आया था और पिछली पंचायत के टाइम में 2017 में इसका पैसा आया था, तो वो मटेरियल वहाँ पे कुछ भी मटेरियल नहीं है। हाँ जी, रामेश्वर ने बताया कि एक सामुदायिक भवन बनना था जो अब तक नहीं बना, पैसा 2017 में आया था लेकिन मौके पर काम कुछ भी नहीं हुआ और पैसों की निकासी की गई है। ये मेरा शुभ नाम राजेंद्र सिंह वजीर, तो मैं यहाँ तकले से बिलोंग करता हूँ। हमारे को इस जो पिछली पंचायत थी उस पर बहुत अफसोस होता है कि आज तक इन्होंने जो भी गफले किए, जो भी काम किए, ये तो प्रशासन को सामने दिख रहा है, जो कि क्या बोलते हैं सामने सीमेंट पड़ा है और ये अपने क्या बोलते हैं, जैसे ही ये अपना इलेक्शन था उससे 3-4 दिन पहले ये सीमेंट उतरा और लाइटें उतरी, स्ट्रीट लाइटें जो थी, तो उन्होंने इतने बुरे हाल किए इस पंचायत के कि हद से ज़्यादा। और आज के दिन कोई ना प्रशासन इस पर ये कर रहा है, जो कि हमने यहाँ पर मौके पर हमारे बीडीओ साहब भी आए थे, डीसी साहब ने आदेश दिए कि इस पर कार्रवाई की जाए, फिर भी आज तक इतना टाइम हो गया, आज 5-6 दिन हो गए कि उससे भी ज़्यादा हो गए हैं ना, तो हम चाहते हैं कि इस पर कार्रवाई ऐसी की जाए कि जो अगले कोई भी ये होंगे, कोई भी पंचायतें होंगी, कि ये ऐसा कोई बुरा काम ना करे, तो इसलिए हमारा प्रशासन से। के आर कपूर खंड अधिकारी ने बताया कि लोगों ने जिलाधीश से धांधली की शिकायत की है, जिलाधीश के निर्देश पर जांच टीम का गठन किया गया है, घपला करने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि जो ग्राम पंचायत कलेज की जो इंक्वायरी के लिए हमारे को डी साहब ने आदेश किए हैं, उन्होंने बोला कि इसको जो है आप शीघ्र जो इंक्वायर करके जो मैटर है वो मेरे समक्ष उठाया जाए, तो हमने इसके लिए जो कमेटी गठित कर ली है जी, उसमें PI समाज शिक्षा एवं खंड योजन अधिकारी व कनिष्ठ अभियंता को उसमें गठित किया गया है और मैं भी उनके साथ खुद वहाँ मौके पर जाऊंगा और उनके जो भी होगा उसमें
दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई।